सो हाय गाइस, कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। सो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं एक ग्रिडलाइन ऐप के बारे में बताऊंगा, जिससे आप काफ़ी इजी तरीके से ग्रिडलाइन बना सकते हैं और अपने ड्राइंग को काफ़ी अच्छी तरीके से ऑप्ट कर सकते हैं। तो आप लोगों को मैं प्ले स्टोर में चल के बता देता हूँ कि यह कैसा ऐप है, आपको कैसे से सर्च करना है। देख सकते हैं प्ले स्टोर ओपन हो चुका, तो यहाँ पर आपको सर्च कर लेना है ग्रिड ऐप फॉर आर्टिस्ट। ये सर्च करने के बाद यहाँ पर देखते हैं थर्ड नंबर पे जो ऐप आ रहा है, ये देख सकते हैं थर्ड नंबर पर ये ऐप, ये आपको ऐप इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद में आपको मोबाइल में कुछ इस प्रकार सा इंटरफेस दिखेगा। इस ऐप को आपको सिंपली ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद में यहाँ पर आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पर मैंने रिसेंटली जो फ़ोटो में ग्रिड लाइंस बनाई हैं वो फ़ोटो है, और नीचे न्यू का ऑप्शन है, यहाँ पर आपको न्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। न्यू के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ से अपनी फ़ोटो चूज कर लेना है। यहाँ से मैं ये फ़ोटो सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये फ़ोटो सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर आपको नीचे कैनवास और डिफ़ॉल्ट का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर आपको क्लिक करने के बाद में आप अपनी फ़ोटो की रेशियो सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं अपनी फ़ोटो को A4 साइज़ में सेलेक्ट करता हूँ। A4 साइज़ में सेलेक्ट करने के बाद में आपको अपनी फ़ोटो को क्रॉप कर लेना है जितना आपको फ़ोटो चाहिए। क्रॉप करने के बाद में आपको यहाँ पर चार ऑप्शन दिख रहे होंगे, यहाँ पर नीचे 3 लाइंस दिख रही हैं, इन 3 लाइंस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ से अपनी ब्राइटनेस बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, कॉन्ट्रास्ट बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, और यहाँ से आप बहुत सारे ऑप्शन हैं। यहाँ पर आपको मैं सिंपल भी बताता हूँ ब्लैक एंड वाइट, तो आप अपनी फ़ोटो को अपने अकॉर्डिंग सेट कर लेना है। आपको ब्लैक एंड वाइट चाहिए तो ऐसे कर लेना है, अगर नहीं चाहिए तो हटा लेना है। मैं इसे चाहता हूँ इसीलिए मैं क्लिक कर देता हूँ। इसको क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ से कैनवास का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस कैनवास के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप डिशेज चाहिए या फिर लाइंस चाहिए, यहाँ पर आप क्लिक कर देते हैं। बॉक्स के साइज सेलेक्ट कर सकते हैं, ग्रीन लाइंस का कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, मैं इसमें ग्रीन कलर को सेलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पर ग्रीन कलर सेलेक्ट होने के बाद में आप लाइंस का थिकनेस सेलेक्ट कर सकते हैं, ओपेसिटी सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर डायग्नोसिस कर सकते हैं। ये सब करने के बाद में आपको नीचे देख सकते हैं स्केल एंड पेंसिल का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप फुल साइज पे करेंगे तो यहाँ से अपनी फ़ोटो को जूम आउट कर सकते हैं, देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आपको सिंपली फ़ोटो को सेव पर क्लिक कर देना है। सेव पर क्लिक करेंगे तो ये फ़ोटो आपको गैलरी में सेव हो जाएगी। तो गैलरी में चल कर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये फ़ोटो रही, ये मैंने अभी सेव की है, तो देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से इसमें ग्रिड लाइन बन चुकी हैं। मैं आपको यह सिंपली मेथड बताया हूँ, अगले वीडियो में मैं इस का डिटेल बताऊँगा जिससे आप प्रोफेशनल तरीके से ग्रिड लाइन बना सकते हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट दिन नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।